जय श्री जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। आज मैं आपको एक इलायची का उपाय बताने जा रही हूँ और इलायची पे मेरे और भी बहुत से वीडियोस हैं और आज हम आप लोग को इलायची पे एक नया वीडियो देने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पहले मैं आपको फिर से बताऊँगी कि आपको, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं हैंड रीडिंग भी करती हूँ और हम ज्योतिषी गणना भी करते हैं, आपकी पत्रिका भी देखते हैं, जन्म पत्रिका, सवालों के जवाब भी देते हैं और लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं, नौकरी की, शादी की, जॉब की, या जो भी आपकी समस्या हो, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या पर्सनली जो भी समस्या है लोगों से शेयर करते हैं और उसका हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ इलायची का एक उपाय, इलायची के इस उपाय के बताने के लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी एज कितनी है। सपोज़ करो किसी लड़की का नाम है सीमा या लड़के का नाम है प्रदीप या राम, कुछ भी चलो। तो उसकी जो एज है, मान के चलते हैं लड़की की एज है 26 या किसी लड़के की एज है 28, मतलब जो भी करने वाला है लड़की या लड़का, उसकी जो भी एज है हम उसकी एज को लेते हैं। सबसे पहले उसको क्या करना है, अपनी एज की जितनी उसकी एज होगी उतनी वो लॉन्ग जो है इलायची लेगा, हरी इलायची, छोटी वाली इलायची, सूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी हरी इलायची जैसे होती है ना, साफ़ सुथरी, हरी हरे से चटकीले रंगों की, जैसे अच्छी वाली क्वालिटी की आपको लेनी है। और इस इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जितनी भी आपकी एज है, जैसे आपकी 21 एज है तो आप 21 इलायची लोगे, किसी की 27 एज है तो वो 27 इलायची लेगा। उसको अपने हाथ में लिखना है और हाथ में उसको मुट्ठी को बंद कर देना है और उसके बाद मन में भगवान भगवती की जो छवि है या काली की छवि है, दुर्गा की छवि है, किसी 10 महाविद्या के बारे में सोच सकते हैं, जैसे छिंदमस माता है, षोडशी माता है, बगला माता है, धूमावती है, कोई भी देवी है जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, या आपकी कोई कुल देवी हो जो जिसको आप बहुत मानते हो, कोई भी भगवान हो जिसको भी आप मानते हो, राम है या कृष्ण है, जो भी, इसके लिए कोई स्पेशली देवी देवता नहीं है कि आप उसी के बारे में सोचोगे, जिसको भी आप मानते हो, जो भी, अगर आपका कोई गुरु हो, जैसे होते हैं ना कुछ लोग गुरु मानते हैं कि मेरे तो जय गुरुदेव वाले लोग होते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं हम जय गुरुदेव को मानते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो जो भी आपके गुरु हैं आप उनका ध्यान करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मैं अमुक, मेरे पिता का नाम अमुक है या मेरे पति का नाम अमुक है, मेरा गोत्र अमुक है अगर आपको गोत्र पता हो, मेरा स्थान अमुक है, और हे प्रभु मैं आपकी, जिनका भी आप याद कर रहे हैं, जिस ईश्वर को भी आप याद कर रहे हैं, मैं आपको याद करके प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरी जो बला बला इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, इसके लिए मैं जो हूँ इस इलायची को अपने पास रख रहा हूँ और सुबह मैं इसको आपको भेंट करूँगा, मुझे विश्वास है ऐसा करने से मेरी मनोरथ अवश्य पूरी होगी। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं इसे करता रहूँगा और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको जो भी बोलना हो कि मैं आपको भंडारा करा दूँगा या मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा या मैं आपके यहाँ लड्डू चढ़ा दूँगा या मैं आपको कपड़े चढ़ाऊँगा या मैं गरीबों में भोजन बटूँगा, जो भी आपको सही लगे आप उसके लिए बोल सकते हैं कि मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसे करूँगा। उसके बाद आपको करनी है वो सारी इलायचियाँ एक छोटे से हरे रंग की पोटली में बांधनी है, मतलब एक रुमाल लेके छोटा सा हरे रंग का कपड़ा लिया ना छोटा सा, उसमें सारी इलायची को रखो, गांठ लगाओ, अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। जब आप सुबह उठोगे तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सुबह उठने के बाद नहा धोके आप जैसे भी अपने घर में पूजा करते हैं अपने घर में पूजा कीजिए, या आप मंदिर जाएंगे तो और भी अच्छा है, बस आप मंदिर जाइए। और अगर आपने अपने किसी गुरु का नाम लिया है तो उस गुरु के नाम से भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं, या आप अपने गुरु के घर में कोई फोटो वोटो रखी है तो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन घर में रखोगे तो घर वाले चिल्लाएंगे बहुत, इसलिए मैंने कहा मंदिर जाना। अब आप सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके बढ़िया सा मंदिर जाइए, उस पोटली को लेके जाइए, बिना किसी को बताया जाइए, और वहाँ पर वो पोटली जैसे आपने शिवलिंग पर रखा, शिव का ध्यान किया था या गुरु का ध्यान किया था तो शिवलिंग पर रखाना, या आपके गुरु का कोई आश्रम तो वहाँ रखाना, या देवी का ध्यान किया था तो देवी के मंदिर रखाना, कृष्ण का ध्यान किया था तो कृष्ण के मंदिर रख के आओगे, हनुमान का ध्यान किया था तो हनुमान के ध्यान मंदिर में रख के आओगे, जिसका भी आपने ध्यान किया था, गणेश का ध्यान किया था तो गणेश के मंदिर में रख के आओगे, उस मंदिर में आपको रख के आना है। और वहाँ पे भी आपको यही बोलना है कि मैं अमुक बला बला, मेरे पिता का नाम बला बला, मेरे पति का नाम बला बला है, मेरी अमुक इच्छा है, ये जो भी आपको बोलना है आपको वहाँ पर बोलना है, और उसके बाद हाथ जोड़ के जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं इसी तरह से आपको ये चढ़ाने आऊँगा या आऊँगी, बस मेरा ये काम कर दीजिए, जैसे ही मेरा काम होगा तो उनको याद दिलाना कि मैंने ऐसे से बोला है कि मैं ये आपके लिए कर दूंगा या कर दूंगी। इसको आपको कंटिन्यूटी में करना है कि रात को रखना है हरी इलायची को, सुबह जाके चढ़ा के आना है। अब आप बोलेंगे इसमें बहुत कपड़ा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लगेगा, आप 1 मीटर का
हरे रंग का 1 मीटर का जो वो वाला कपड़ा होता है ना, लाइनिंग बोलते हैं उसको, वो आपको 10-15 रुपये मीटर मिल जाता है। आप उसको 1.25 मीटर कटवा के ले आओ तो 20 रुपये का कपड़ा आएगा। आप उसके छोटे 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 पीस बना लो घर पे और बहुत बन जाएंगे उस पीसेस को बना के, और अपने हिसाब से जितनी आपकी एज है ना उसके हिसाब से उतनी इलायचियाँ खरीद के, मतलब वो उतनी इलायची उसमें भर दो। और भरने के बाद बस आपको करना क्या है, जितना भी आपको करना है उसी को आपको करना है। तो इसे आप करीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। और एक आप सबसे आग्रह है कि मुझे उल्टे सीधे मैसेज मत करना, जैसे कि बहुत लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बताते हुए भी नहीं अच्छा लगता है कि मेरी फला का वशीकरण तो ये उसका मतलब भाभी है, चाची है, और मतलब रिश्तों को नहीं छोड़ते हैं लोग। बगल की विधवा हो गई है उसको पटा दो, मुझे ऐसे लोग मैसेज ना करें। मैं हमेशा से बोलती हूँ मुझे काम ठीक नहीं लगते हैं, ठीक है। आप अपने रिश्तों की मर्यादा को समझिए कि मेरी अपने सगे भाई की बीवी है अच्छी लगती है, मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आप मुझे इस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट मत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो उस समय कुछ समय रुक जाइएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ, और मुझे पूरे दिन में 2500-3000 से ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं। तो मैं रोबो नहीं हूँ कि आपने मैसेज किया और मैं इंस्टेंट पढ़ लूँ, नहीं, मुझे अपना टाइम लगेगा, मेरे को सारे मैसेज पढ़ने होते हैं, तो जैसे ही मैसेज आएगा मैं पढ़ूंगी। लेकिन मैसेज करते समय आपको पूरा बकायदा लिखना है कि मेरा ये नाम है, मेरी ये समस्या है। हाय हेलो लग के मत छोड़ो, बहुत से लोग क्या कहते हैं हाय हाय हेलो हेलो हेलो, वो हेलो हेलो ही लिखते रह जाते हैं और मैं उनको ब्लॉक मार देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ूंगी। तो आप जो है सीधे मैसेज डालिए आपकी क्या समस्या है और लिख भेजिए, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं इसको बढ़ाती हूँ, थैंक यू सो मच।